हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईडी एजुकेशन वंस अगेन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं ये खास सीरीज जो यूपी टेट के लिए तैयार की गई है। तो इस सीरीज में आप सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज जो पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनसे लिए गए प्रश्नों को देखेंगे, उनको सॉल्यूशंस देखेंगे, उन पर डिस्कशन को समझेंगे हम यहाँ पर, और ये आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इस सीरीज को ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर दिए गए सभी लेक्चर्स को आप ज़रूर चेक करें, ये आपके लिए बेस्ट कंटेंट होगा। इसके अलावा जो NIOS के खास लेक्चर्स DLED के लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर चेक करें। यहाँ पर हर कोर्स में आपको टेट परीक्षाओं के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो इनको देखना ना भूलें। कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, ओके। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले पॉइंट पर। यहाँ पर अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस देख सकते हैं और फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो आप इनका लाभ ज़रूर लें, फॉलो कर लें और कोर्सेज में एनरोल कर लें, ओके। काफ़ी लोग लाइव यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो लाइव अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं। इसमें फ़ायदा आपको यह है कि आप मेरे ही नहीं बल्कि किसी भी एजुकेटर के कोई भी कोर्स को देख सकते हैं, लाइव क्लास को देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट एडवांटेज होगा मेरे हिसाब से। आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Amit_Dikshit, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ज़रूर इसका बेनिफिट ले लीजिएगा, ओके। चॉइसेस आपकी हैं, सजेशन मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे टॉपिक जो आज का लेक्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो कि यूपी टेट के लिए होंगे खास तौर पर, ओके। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेक्शन है तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो लिया गया है वो है सूझबूझ या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ओके। ये हमारा पहला प्रश्न है, सूझबूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, थॉर्नडाइक हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, चौथा थर्ड है स्किनर और चौथा दिया गया है इसमें से कोई भी नहीं। तो जो सूझबूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन था वो बेसिकली गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी विचारधारा को आगे कोहलर ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, तो वैसे तो ये सिद्धांत कोहलर का था लेकिन चूंकि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने इस विचारधारा को फॉलो किया था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो घुमा कर दिया गया है और इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर, लेट मी चूज द मार्कर जस्ट अ मिनट, सो ये होगा यहाँ पर आंसर बी आपका, ओके। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1935 में जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये आगे बढ़ाया गया था और अंतर्दृष्टि में इसका समाधान संभव था, तो जाना माना सिद्धांत है, ये आंसर होगा इसका। कन्फ्यूजन के लिए आपको थोड़ा सा चेंज किया गया है इसको, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, ओके। तो यहां पर मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से क्या संबंधित होता है यह आपको बताना है। एक तो है संज्ञान, दूसरा है संवेग, तीसरा दिया गया है ऑप्शन संवेदना और चौथा दिया गया है वो है चिंतन, फोर्थ ऑप्शन है चिंतन। तो देखिए विलियम मैकडूगल इनका पूरा नाम था और उनके अनुसार मानव विकास और व्यवहार किसी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है या व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि अन्य बलों से ये प्रभावित होता है। अतः हम बात करें तो संज्ञान है, संवेदना है, चिंतन सभी संवेग से संबंधित हैं, तो इन्होंने सामाजिक प्रतिक्रिया विकसित करने और लक्ष्यीकरण को लक्ष्य बनाने में वृत्ति के महत्व को बताया है। तो यानी कि संवेग के महत्व को इन्होंने बताया है, तो आंसर होगा इसका बी क्योंकि ये सारी चीज़ें संवेग से जुड़ती हैं और जो मैंने अभी आपको बताई, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा संवेग क्योंकि जो भी संवेदना संज्ञान चिंतन है वो संवेग से ही संबंधित है और इनके हिसाब से ये कनेक्ट होता है, तो बी इसका राइट आंसर है, ओके। अच्छा टॉपिक है, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, ओके। प्री एक्वायर्ड नॉलेज जो है या एक्सपीरियंस जो है उनके आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, जो सेंसिटिविटी है उसको मीनिंग देना, वो क्या कहलाता है। पहला है संवेदना, दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा है कल्पना। तो
इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना प्रकट करना और उसके उसको अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। समझ रहे हैं आप कि पूर्व अनुभव को भी हम जोड़ रहे हैं और उसके आधार पर जो भी हमें अभी एक्सपीरियंस हो रहा है कहीं ना कहीं उसको हम मीनिंग देते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो अभी प्रत्यक्ष ज्ञान के तौर पर सामने आता है कि जो हम अभी एक्चुअली में अभी जो नॉलेज ले रहे हैं जो समझ रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि आज जो देख रहे हैं उसे अपने पहले के नॉलेज से कनेक्ट करके उसको एक सही मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो उस एंगल से उस लॉजिक से बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष की है और उसकी बुद्धि लवधि कितनी होगी? ओके, तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु है यहां पर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहां पर मानसिक आयु हमें दी गई है और उसके हिसाब से बुद्धि लब्धि निकालनी है। 150, 160, 140 और 135 चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु और इंटू 100। ओके, तो इसमें हम अगर 8/5 कर देंगे यानी कि जो 5 वर्ष और 8 है उसको और इंटू कर देंगे 100 से तो 160 आपका आता है। तो वो होगी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ। तो 160 जो है वो इसका सही आंसर होगा, बी होगा इसका सही आंसर। ओके, तो फॉर्मूले ये बुद्धि लब्धि के जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी इसमें तो आपको सीधे सीधे सिंपल नंबर मिल जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ओके, तो ये आपको बताना है, एक रेंज दी गई है, आपको बताना है मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य ओके, ध्यान रखिएगा बुद्धि लब्धि स्तर क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 70, 79, 50, 69, 36, 49, 35 to below। ओके, तो आंसर होगा इसका 4th, 35 to below, मतलब 35 से नीचे, 35 से लेकर 20 तक का जो IQ है वो बालक को प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर उसका कहा जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल इसमें कंडीशन जरूरी है, बुनियादी कौशल और पर्यवेक्षण के हिसाब से ये सिखाया जाता है कहीं ना कहीं स्टेज पर। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक्स ये इसका सही आंसर है। फिलहाल ये समझ लें, बुद्धि लब्धि को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूले लेवल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी आपके लिए। ओके, सजेशंस भी देता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखें और उनको समझते चलें। ठीक है, आगे बात करते हैं, रोशार्क के का जो इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग जो था वो निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी टेट स्पेशली, तो ध्यान दीजिएगा इनको। तो रोशार्क ब्लड इंक टेस्ट जो था, इंक ब्लड टेस्ट वो किसके मापन हेतु दिया गया था? व्यक्तित्व के, अभिरुचि के, या फिर बुद्धि के, या फिर अभिक्षमता के? तो जो रोशार्क का परीक्षण था वो था स्याही धब्बा परीक्षण, ये आपने सुना होगा हिंदी में, इसको स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, इंक ब्लड टेस्ट। ओके, तो बेसिकली इसको इसके इस तकनीक इस चीज को इसके जरिए परीक्षण के जरिए जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं और भावनात्मक कार्यविधि की जांच की जाती है, ओके, इमोशनल एस्पेक्ट्स की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसको जो नाम दिया गया था इसे रोशार्क के नाम पर रखा गया था। और जो ये जो जांच करता है कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की जांच करता है बेसिकली, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़िएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से इनके लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। आपके जो भी सजेशन हो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको कोई खास टॉपिक समझना है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक, मैं आपको सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा जो अगर ज्यादा आपकी तरफ से कमेंट आते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी विस्मृति का कारण नहीं है? ओके, तो विस्मृति का कारण कौन नहीं है ये बताना है आपको, सीखने में कमी, दूसरा है स्मरण करने की इच्छा, तीसरा है मानसिक द्वंद्व, या चौथा है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो स्मरण या याद करने की इच्छा विस्मृति अथवा भूल का कारण नहीं है। ओके, जो बी है इसका आंसर होगा सही, क्योंकि बाकी सभी जो हैं वो स्मृति को प्रभावित करती हैं, जैसे कि मानसिक द्वंद, सीखने की दोषपूर्ण विधि, समय की कमी, कमजोर स्वास्थ्य, ये आराम ना मिलना, नींद का अभाव, सभी प्रभावित करती हैं। तो लेकिन स्मरण करने की इच्छा ये कहीं कनेक्ट नहीं होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा इस लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, समझ के समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। अगला है 8वां प्रश्न, यहाँ पर, वह विज्ञान जो संख्यात्मक
संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो आप समझ रहे हैं संख्यात्मक प्रदत्त, समझ पा रहे हैं यहाँ पर, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। तो ए सांख्यिकी, बी गणित, ज्यामिति और संभाव्यता। तो यहाँ बिल्कुल सीधा आंसर है ए सांख्यिकी। संख्यात्मक प्रदत्त की बात हो रही है तो उनकी तुलना करना, कंपैरिजन करना, उसको हिंदी में थोड़ा हैवी हो जाता है क्वेश्चन, तो हिंदी में इसलिए हैवी शब्दों को समझना आपको जरूरी है, तो क्वेश्चन वहां पर समझ में आते हैं। तो सांख्यिकी इसका ऑप्शन होगा, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि विभाजित करना, ये सब जो सांख्यिक आंकड़े हैं वो इससे ही संबंधित हैं। सिंपल आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन वो है यहाँ पर, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? अगेन एक और मनोवैज्ञानिक वाला क्वेश्चन, यूपी टेट में मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको थोड़ा याद करके रखिएगा नाम को। तो गार्डन, सोनेल, बटन हॉल और सिरिल बर्ट, सीरिल बर्ट इनका ऐसा कुछ नाम है। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा सीरिल बर्ट, सिरिल बर्ट, ओके, इनका नाम है। तो इन्होंने ये अवधारणा दी थी, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो काम करता है, तो सीधा आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। अगले चलते हैं 10वें प्रश्न पर। यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा है अधिक्षमता। तो अगर इसको आप ध्यान रखें, ऐसा भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जो दिए गए उत्तम परीक्षणों की विशेषताओं से जो अगर यहाँ पर बताया गया है, तो अभिक्षमता जो है वो भिन्न है, क्योंकि परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता तो होती है, लेकिन अभिक्षमता एक ज्ञान कौशल है, इसको हम अर्जित करते हैं, मतलब एक तरह की स्किल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सीधे सी बात है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है पहले के पेपर्स में, हमने देखा है क्वेश्चंस में आते हैं काफ़ी रिपीटेड, तो हो सकता है ये रिपीटेड हो। तो ये डी आंसर है इसका, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए, मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और ज़रूर यहाँ पर देखते रहें, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इनको, और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन तुरंत दबा लें, आगे भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, और कमेंट करके, लाइक शेयर करके अपनी एक ड्यूटी निभा सकते हैं दूसरों के लिए भी, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलूंगा, तो आप ध्यान रखें और यहाँ देखते रहें एडी एजुकेशन पर भी, और अनअकैडमी पर मेरा कोड आप इस्तेमाल करके यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हैं, तो amit_dikshit इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी और को भी बता सकते हैं, वो अपना बेनिफिट ले सकता है, ये आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ, और हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो सी यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।